तो शायद ने बोला कि चलो सही है फिर आप ये चैनल मुझे दे दो, इतने भी इंशाल्लाह मादी वगैरह मैं लूँगा और भी जमा करूँगा। कुछ लोगों ने गलत कमेंट भी किया कि भाई अभी भाई नाराज़ है, मार्केट में बात तक नहीं करते भाई। कुछ यूट्यूबर है भाई बीच में ये कि वो भी आगे हो सकता है कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाए हमारे खिलाफ तो, या शायद के खराब बना दे। काफ़ी कोऑपरेटिव बंदे हैं शायद भाई। आपको कबूतर अच्छे रेट पर मिलेंगे, मुनासिब रेट पर मिलेंगे, इसकी आंख ज़रा आप देखिएगा। लेकिन चीज़ें आपको ऐसी दिया करूँगा कि भाई आपके दिल खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपको, आपके साथ जो शाहिद भाई ने लास्ट संडे इतवार वाले दिन ना तो एक कुछ बात कही थी, उसके हवाले से कुछ अपने ख्यालात का मैं इजहार करूँगा। और बाकी ये दो कबूतर है, ये इसका भी मैं आपको शो करवा दूँगा। ये मादी तो मैंने एक भाई से बात की हुई है, ये दी हुई है, टेढ़ी मादी है, और ये गोल्डन नर है। बाकी इंशाल्लाह ताला देखो, काफ़ी लोग माशाल्लाह मोहब्बत करने वाले बहुत है, हेटर्स बहुत कम है। तो एक चीज़ आपके साथ ये शेयर करनी थी कि भाई अभी एक चाचा है हमारा, तो उसको पहले भी मैंने कबूतर दिया, अभी जो मैंने कासनी एक जोड़ा दिया सिर्फ 3,000 में मैंने वो जोड़ा दिया, लेकिन बहुत मुनासिब पैसे में दिया कि 5,000 का जोड़ा था। मैंने बोला चलो मैं शौक कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले उसको कुछ कबूतर दिए थे ना तो कहते मेरे से कुछ कबूतर मर गए थे, हालांकि मैंने यहाँ से सही दिए थे लेकिन उसके बाद उधर जाके कुछ मर गए थे। तो ये कि मैंने बोला कोई मसला नहीं, शौक कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप लोग का मैं ख्याल रखता हूँ, और ये कि माशाल्लाह आप भी काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, कॉमेंट्स वगैरह भी अच्छे करते हैं, और इक्का दुक्का जो होते हैं तो जाहिर सी बात है हेटर्स तो होते हैं हर जगह। और दूसरी बात ये करनी थी कि काफ़ी लोग फ़कीर गुल और टेढ़ी कबूतर भी मांग रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं जमा करूँगा, फिर मैं वीडियो लगाऊंगा। बाकी इस इन दोनों कबूतर का मैं आपको शो करवाऊंगा। तो शायद के हवाले से मैंने ये बात करी थी, देखो जब मैंने शुरू में मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तकरीबन 4-5 साल हो गए जब अभी मैंने वो चैनल शायद को भेज दिया, तो वो चैनल मैंने अलग स्टार्ट किया था। फिर शायद भाई यारी दोस्ती है और ये है कि काफ़ी अच्छे बंदे, तो उसको मैंने कहा था कि भाई मेरे साथ आ जाओ तो ये मिलके शो करवाते। तो वो फिर एक अपनी उसने पहले क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे, तो ये उसने बोला कि मैं वही चलो सही आपके पास आ जाता हूँ। तो फिर ये किया कि मेरे पास आए वो, फिर हम दोनों माशाल्लाह अच्छे तरीके से काम करते रहे, और दुआ सलाम भी अच्छी है माशाल्लाह हमारी। तो करते करते फिर इस तरह तकरीबन 4 साल भी बीत गए, बीच में ये हुआ। तो व्यूअर्स मैं ये कह रहा था कि तकरीबन 4 साल हो गए फिर हम माशाल्लाह काम कर रहे थे, तो बीच में ये हुआ कि क्योंकि हम संडे वाले दिन जाते थे, तो संडे वाले दिन जब हम जाते थे तो शाहिद भाई ने कहा कि यार संडे के अलावा मुझे टाइम दे दे। तो मेरा स्पेयर पार्ट का काम था, अभी तो मैंने स्पेयर पार्ट का काम छोड़ दिया, अभी हमारा लंडे का जैकेट का काम है। तो उस टाइम तकरीबन साल होने वाला होगा कि मैंने काम छोड़ा हुआ है स्पेयर पार्ट का, तो अभी मैं लंडे पे आया हूँ तो लंडे का काम कर रहा हूँ जैकेट्स का। तो शायद ने कहा था बीच में मुझसे कि भाई आप इतवार के अलावा भी मेरे साथ आए, तो मैंने कहा था यार इतवार के अलावा तो मेरे पास टाइम नहीं होता। और तो शायद ने बोला कि चलो सही है फिर आप ये चैनल मुझे दे दो, तो मैंने कहा सही है भाई आप रख लो, मैं अपने लिए दूसरा बना लूँगा। तो फिर वो चैनल मैंने शाहिद भाई को सेल कर दिया था। तो ये कि बीच में ये फिर माशाल्लाह ये भी मेरे दो चैनल है, अबीब टीवी पेट्स के नाम से एक है जहाँ पर मैं बर्ड्स की वीडियो डालता हूँ, और अबीब टीवी के नाम से एक चैनल है उस पर मैं कबूतरों की वीडियो डालता हूँ हर संडे को। तो ये है कि बाकी देखो लास्ट टाइम शाहिद भाई ने कुछ बात की थी मेरे हवाले से भी, तो उसमें कोई बुरी बात उसने नहीं की, तो उसने ही कहा था कि भाई अभी भाई अब अपना काम करेंगे, हम मिलके काम करते हैं, हमारी माशाल्लाह कोई नाराज़गी नहीं है। और मुझे पता है कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, कुछ लोगों ने गलत कमेंट भी किया कि भाई अभी भाई नाराज़ है, मार्केट में बात तक नहीं करते। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम बात भी करते हैं और चाय वगैरह भी उधर पीते बात भी करते हैं, लेकिन ये कि देखो टाइम वगैरह थोड़ा सा इशू होता है ना, हमें वीडियो बनाने होती है और भी काम होते हैं, शाहिद भाई के भी होते हैं मुझे होते हैं, तो संडे का दिन ही फ्री होते, तो उस टाइम हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं ताकि आपको फिर शौक ज़्यादा से ज़्यादा करवा सके। बाकी जो हेटर्स है वो तो इस तरह हेटर करते रहेंगे, और कुछ यूट्यूबर है भाई बीच में ये कि वो भी आगे हो सकता है कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाए हमारे खिलाफ तो, या शायद के ख़राब बना दे। तो भाई मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी चीज़ ये क्लियर करनी थी कि भाई देखो शाहिद भाई इसके साथ मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, उसने भी ये बात क्लियर कर दी है, और ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह का शुक्र है हमारे दरमियान कोई नाराज़गी नहीं है। तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर कर दूँ, और माशाल्लाह फिर भी किस बात पे नाराज़गी होगी, देखो मैं अपना काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पहले शायद के साथ कर रहा था, अभी मैं अपना मैंने जिस तरह मार्केट के वीडियो में भी कहा था कि मैं अकेला काम करना पसंद करता हूँ, अभी चूँकि 4 साल मैंने किया सही बात है, लेकिन बीच में मेरे ऊपर बहुत बर्डन था क्योंकि एडिटिंग थी, ये चीज़ बहुत चीज़ वीडियो भी ज़्यादा थी, तो मैं ये कि मैं थोड़ा सा वो हो रहा था डिप्रेशन का शिकार होता जो साफ बात है। तो फिर मैंने कहा कि भाई चलो शायद ने भी बोला कि यार सही है आप ये कि फिर चैनल वगैरह है कि आप इसके अलावा भी काम, मैंने कहा था कि इतवार के अलावा मैं काम नहीं कर सकूँगा, तो फिर क्योंकि बर्डन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा शायद ने कहा चलो सही चैनल मेरे ऊपर भेज दो, तो मेरे चैनल उसके ऊपर भेज दिया था जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया। तो बाकी ये कि हमारी नाराज़गी माशाल्लाह नहीं है, हम इस तरह काम करते रहेंगे, आपको शो करवाते रहेंगे। तो जो भी नेगेटिव कमेंट करने वाले भाई उसको मेरे हाथ से वीडियो देख के उसको जवाब मिल गया होगा कि हमारी आपस में कोई नाराज़गी नहीं है। बाकी ये दो कबूतर है इंशाल्लाह इसका आपको मैं शो पहले करवाता हूँ, इसको पहले मैं छोड़ देता हूँ, पहले मैं आपको ये गोल्डन कबूतर का शो कराता हूँ। बाकी इंशाल्लाह कोई भाई भी कोई भी कबूतर मांगेगा ना तो मिल जाएंगे। सबसे पहले इसकी बनता देखिए आप, ये गोल्डन कबूतर है इसके, यहाँ पे बीच में फोकस करना ज़रा, ये इसकी आँख पहले मैं आपको दिखा दूँ, हड्डी जोड़ अभी तक माशाल्लाह मैंने जिसको भी कबूतर दिए ना अल्हम्दुलिल्लाह ना शिकायत आई है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नहीं आएगी। अब इसके लिए मैं सेम आदि ढूंढूँगा और ये इंशाल्लाह फिर उसको दे दूँगा। ये पर में देखे कलर भी लगा हुआ है, पर देखे
हड्डी जोड़ हर चीज़ से बिल्कुल ओरिजिनल प्योरिटी में कबूतर है, वही है, गोल्डन कबूतर है। ये दूसरा पला देखे इसका, और ये पंजे भी आप देखें, खुश्क पंजे वही इसको कहते हैं। हड्डी जोड़ भी अच्छी है माशाल्लाह। और ये देखे, ये इसका पूरा कदर है, ये इसका पूरा कदर है कबूतर का। तो अभी ये तो मैंने नहीं दिया हुआ, इसके लिए भी इंशाल्लाह मादी वगैरह मैं लूँगा और भी जमा करूँगा। तो अभी जो दूसरी मादी है उसके मेरे भाई से बात हुई है, तो चलिए मैं अभी उसका भी आपको शो करवा देता हूँ। तो व्यूअर्स, ये मादी थी, ये मेरे को रोहत भाई ने गिफ्ट की थी। तो वहाँ पे एक मार्केट में भाई थे हमारे, पहले सोचा कि भाई इसको मैं खुद रख लूँगा, लेकिन ये कि अभी वो शो कर रहे तो उनको इंशाल्लाह देंगे ये मादी। और चलिए इनका आपको शो करवा देते, पहले इसके आइस का ये देखें माशाल्लाह, किस पर फोकस करना, इसके आँख ज़रा आप देखिएगा, ये देखिए माशाल्लाह, टॉप क्वालिटी की चीज़ है भाई ये, और अच्छी चीज़ है, पूरी छपी हुई देखिए ये, और इसकी टेर भी देखिए आप, हड्डी जोड़ हर चीज़ से परफेक्ट है माशाल्लाह। पंजे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट संडे को मैं उनको दे रहा था लेकिन वो मेरे हाथ गांव चले गए थे, जोड़ भी बिल्कुल बंद है। और ये पूरी इसकी वजूद वगैरह देखे ज़रा आप, ये पूरी मादी का वजूद देखे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। बाकी जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरी शादी भाई के साथ कोई नाराज़गी नहीं है, तो ये कि भाई जो गलत कमेंट करने वाले तो उनके लिए ये जवाब काफ़ी होगा कि भाई हमारे दरमियान कोई नाराज़गी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और ये कि काफ़ी कोऑपरेटिव बंदे हैं शायद भाई, और अब मेरे को अपनी चीज़ समझ आता है कि मैं भाई ख़ुद काम करूँ तो बेहतर है, वो ख़ुद अपना काम अगर स्टार्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना उनकी मर्ज़ी है। तो माशाल्लाह दुआ सलाम भी अच्छी है। तो ये आज की वीडियो थी, बाकी ये कि इंशाल्लाह आपको कबूतर अच्छे रेट पर मिलेंगे, मुनासिब रेट पर मिलेंगे। इंशाल्लाह कार्गो वगैरह भी मैं करवा दिया करूँगा, जब कोशिश करूँगा टाइम निकाल के, और अच्छी चीज़ें जमा करूँगा, फिर ही वीडियो में लगाऊंगा, भले महीने में मैं एक वीडियो लगाऊं, लेकिन चीज़ें आपको ऐसी दिया करूँगा कि भाई आपके दिल खुश हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जितने भी ये शकों को शबात होंगे क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।